नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को आर्मी से टकराना महंगा पड़ गया। उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया और पहली बार पाकिस्तान में अंतरिम राष्ट्रपति भी बनेगा। तो एक तरफ पावर सेंटर में उथल पुथल मची है तो दूसरी तरफ आवाम सड़क पर है। सिविल वॉर जैसी स्थिति है। एक तरफ बलोच बगावत कर रहे हैं, दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान में जैसी स्थिति है वो सभी के सामने है। महंगाई, बिजली बिल को लेकर लोग सड़कों पर आ चुके हैं। पाकिस्तान में जब हाहाकार मचा हुआ है तब हिंदुस्तान में G20 की बैठक हो रही है। जब G20 की बैठक की मेहमान नवाजी के लिए दिल्ली भव्यता की पराकाष्ठा पर इतरा रही है, जब सजी हुई दिल्ली की गली गली नई परिभाषा गढ़ रही है, जब दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा लगने वाला है, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के सबसे बड़े नेता ऐतिहासिक बैठक के लिए दिल्ली आने वाले हैं, जब नई वैश्विक लकीर खींचने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, तब पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सरहद पार मोदी मोदी हो रहा है। इंडिया ने अपनी G20 मीटिंग को जो है एक कल्चरल इवेंट में बदल दिया। नहीं देखें, यही देखें ना, नरेंद्र मोदी वैसे तो कहते हैं ना ये फास्शिस्ट है, यानी कि ये बड़ा दहशतगर्द आदमी है, लेकिन उसकी आप खारजा पॉलिसी को देखें कि उसने इंडिया को कैसे मैनेज किया है पिछले 10 साल से। जैसे वो अपना तरीक़ेकार से चल रहा है, कश्मीर पे भी उसने कब्जा कर लिया है, इसी साल देखें ना कि 2019 में आर्टिकल हटा दिया, ये कश्मीर पे भी कब्जा अपना पक्का कर लिया, पूरी दुनिया को खारजा पॉलिसी उसकी उसके गिर्द ही घूमती है। ठीक है, हमारे जो हुक्मरान हैं इन्होंने सिर्फ लड़ाइयों के और जो हमारे ताकतवर हलके हैं इन्होंने अपनी जिदों और अनाओं के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। G20 मीटिंग के जरिए हिंदुस्तान अपनी वैश्विक ताकत को एक पायदान और ऊपर उठा रहा है। अफ्रीकी संघ के 24 देशों को स्थायी सदस्यता देने की जोरदार वकालत कर हिंदुस्तान के प्रधान ने मास्टर स्ट्रोक चला। जब मोदी की विश्व नायक वाली छवि और ज्यादा निखर आई तब जिन्ना लैंड निराशा के कुएं में आकंठ डूबा हुआ है। भारत इतना कुछ कर रहा है, इतना सारी दुनिया में नंबर वन चल रहा है, वो भारत की क्या बात करते हैं? हमारे साथ बाहर का क्या तल्लक है? हमारा एक छोटा सा मुल्क है, वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, उसकी इकॉनमी, उसका हर चीज, वो जो मर्जी कर सकता है, बादशाह इस मुल्क में जो मर्जी कर सकते हैं। कसम खा के कहता हूँ कि हमारा मुल्क बिक गया है, हर सूरत बिक गया है। थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को खत्म होने में, जो इनके हालात है ना, लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है। दरअसल G20 में शामिल होने के लिए पाकिस्तान भी बेचैन था, उसके आका चीन ने पैरवी भी की थी, मगर हिंदुस्तान के आगे प्रपंची पड़ोसी नहीं टिक पाया और जिन्ना के वारिसों का अरमान धरा का धरा रह गया। हुकूमत का कोई भी तरीका, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इंडिया का मुकाबला कर सके। वो तरक्की में हमारे से 100 में से 1000 गुना आगे चले गया। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं, ना कोई कारोबार है ना काम है। 3 महीने किसी दूसरी कंट्री में चले जाना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पासपोर्ट, उसकी वैल्यू है ही नहीं जीरो, किसकी वजह से? हमारी हुकूमतें ख़राब है, सब कुछ। ये पाकिस्तान में अब जो भी आगे हालात आने हैं ना, इससे भी बदतर आने हैं। पाकिस्तान की दुनिया में क्या स्थिति है ये सबको पता है। हर कोई दहशतगर्दों को पालने वाले मुल्क से दूरी बनाना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को हर जगह से, फ्रांस भी कहता है गेट आउट, तुर्की भी कहता है पाकिस्तानियों गेट आउट, यूएई ने भी जो है 14 सिटीज को बैन किया है, ग्रीस ने भी कहा गेट आउट पाकिस्तान। लेकिन दुनिया का हर देश भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहा है,
G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन नहीं भी आ रहे तो उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात कर अपने लेफ्टिनेंट को भेजा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ना आने की वजहों को दुनिया अच्छी तरह जानती है, बाकी सब आ रहे हैं और इसकी चर्चा पाकिस्तान में बेहिसाब हो रही है। डिप्लोमेसी की एक करेंसी है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। अच्छा। और इंडिया एक मेजर हब है इन पावर के लिए कि इन्वेस्ट करें और वहां से अपने डॉलर गेन करें। ठीक हो गया। और इंडिया भी यही डिप्लोमेसी कर रहा है कि आप कुछ दें और हमसे कुछ लें। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं, हमारी एक्सपोर्ट देख ले कुछ भी नहीं है, तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा इंटरेस्ट मैटर करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपका रिलीजन क्या, आपकी कास्ट क्या। पाकिस्तान भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और कंगाली का हब है, अस्थिरता चरम पर, खैरात पर पल रहा है। बेगैरत हुकूमत मांग मांग कर देश चला रही है। कर्ज में डूबा चिन्ना का देश दिवालिया होने की कगार पर है। यही वजह है कि बड़ी आबादी भारत में शामिल होने के लिए बेकरार है। आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ मर जाए। एक चाय बेचने वाला अपने मुल्क को चांद पे ले गया। पाकिस्तान की आवाम इतनी ज़्यादा हताश है कि पूछिए, लोग इस बात से पछता रहे हैं कि उनके पुरखों ने पाकिस्तान को चुना ही क्यों, क्यों अलग देश लेकर आजाद हुए। तो हालात हैं, यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज़्यादा बेहतर हालात में ना होते। हम तो ये सोचते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो अंग्रेज़ दौर में हुई है। अगर अंग्रेज़ राज रहता तो ठीक है, मतलब उस दौर की एक अपनी मसाइल थे, लेकिन डेवलपमेंट और एक जो आज अंग्रेज ने अपने दौर में अपने मुल्कों में कर ली है, तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे मुल्क में भी होती है। ये अफसोस, ये आक्रोश, ये नाराजगी यूं ही नहीं। पाकिस्तान के हालात विकराल है। हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों को बुला रहा है, अरबों रुपए खर्च कर रहा है, भारत वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहा है और पाकिस्तान टकटकी पर टंगा है। यही वजह है कि नई पीढ़ी अब उस जिन्ना को भी कोस रही है जिसने अपनी जिद पर कट्टर मजहबी मुल्क खड़ा किया था। हमारे फाउंडिंग फादर के विजन में ही थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। मतलब बाबा इस तरह से आप उधर देखते हैं तो गांधी साहब बुक्स लिख रहे हैं, अपना विजन बयान कर रहे हैं, नेहरू साहब कह रहे हैं, तो हमारे कुछ कहते हैं कि कायदे आजम एक लिबरल थे, कुछ कहते हैं कि वो प्योर इस्लामिक थे, क्योंकि उन्होंने 1947 में कहा था कि हम इस्लाम के नाम पर बना रहे हैं। असल में ना इस सोच के पीछे हमारा बेसिकली हमारी अपनी सोच है कि हमने सोच ली है कि पाकिस्तान इस्लाम है और इस्लाम ही पाकिस्तान। अंदाजा लगाइए कि जिन्ना के देश में अवाम की क्या स्थिति। जिन लोगों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया, हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवाए, जो जिन्ना पाकिस्तान में पूजे जाते रहे कायदे आजम के नाम पर, उन्हें ही धिक्कारा जा रहा है। उनकी उलझी हुई सोच पर, उनकी नीति पर पाकिस्तानी अवाम सवाल खड़े कर रही है। देखिए, पाकिस्तान जब से बना वहां पर अस्थिरता है। 1958 में ही पहली बार देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, फिर 1969 में और फिर 77 में सैन्य शासन रहा, फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया और एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ की आहट सुनाई पड़ रही है। क्योंकि जब देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति है तब आर्मी चीफ असीम मुनीर अचानक से एक्टिव हो गए। सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। वो हालात होंगे कि आप पिछले दौर भूल जाएंगे जो अभी तक सख्ती है। जब अस्थिरता के पेंडुलम पर पाकिस्तान डोल रहा है, जब प्रपंची पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था रसातल में उतरती जा रही है, जब जिन्ना का कंगाल मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है, जब हर रोज गृह युद्ध की घंटी बज रही है, तब आधा मुल्क सड़क पर है। नई आशंका आकार ले रही है पाकिस्तान में, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है जो डरावनी। जो हालात बदलने जा रहे हैं, जब 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ कि
वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम से कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी। मतलब ऐसे हमने उस दौर से गुजरे हैं जहां पर हमें वसीम अकरम प्लस नज़र आए, महमूद खान प्लस नज़र आए, तो अब हम आपके तजिए के मुताबिक हमें क्यामत प्लस, जो दुनियावी तौर पे क्यामत प्लस नज़र आ सकती है। और उसका नहीं, हमने ये सुना था ना कि ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में बड़ी सख्ती होती थी, बड़ा ये होता था, वो होता था, तो मैंने तो वो दौर नहीं देखा हुआ ना सही तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो जो अपनी याददाश्त के अंदर जो दौर हैं वो उनमें मुझे कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर भी आप भूल जाएंगे। अच्छा, जो अभी आने वाली है सख्ती, लेकिन वो सख्ती इस तरह नहीं होगी कि किसी गुजरने वाले को पकड़ के उठा के जनाब वो फेंटी लगानी शुरू कर दी। जिस बंदे ने कानून को हाथ में लिया, बिलखसूस नौ मई वालों के साथ जो होना है, मैं आपको बताऊं कि उनके लिए जो है वो क्यामत आने वाली है। बिल्कुल नौ मई वालों के लिए क्यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि मध्य सितंबर के बाद पाकिस्तान में क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ लागू होने वाला है? क्या तानाशाह ज़ियाउल हक का दौर फिर आएगा? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सिविल वॉर जैसे हालात, जब हुकूमत से लोगों का यकीन उठता जा रहा है, तो वहां का सेना अध्यक्ष एक्टिव हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल रात पाकिस्तान की टॉप कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की है और वहां वजीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में ज्यादातर मुआशी मामलात और कुछ सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मईशत पर इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी और बिजनेस कम्युनिटी के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मुस्तकबिल की मुआशी तवक्कात के हवाले से आदाद शुमार बताए। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को पैगाम दिया कि मसाइल जरूर है मगर पाकिस्तान में सब बुरा नहीं है, मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। वजह जो भी हो मगर दूसरी हकीकत यह है कि असीम मुनीर उसी लकीर पर चल रहे हैं जिसे 80 के दशक में पाकिस्तान के सबसे बदनाम तानाशाह ज़ियाउल हक ने खींचा था। पाकिस्तान के तानाशाह ज़ियाउल हक ने भी 1986 में कराची में एक व्यापारियों के समूह के साथ बैठक की थी। उस मीटिंग में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई। उन्होंने 1987 में भी लाहौर में उद्योगपतियों के एक समूह से मुलाकात की जिसमें देश के ऊर्जा संकट पर चर्चा हुई थी। अब असीम मुनीर भी कारोबारियों से मिल रहे हैं, मुल्क बचाने के नाम पर अपने कब्जे को विस्तार दे रहे हैं। यानी अब तक आर्मी चीफ जो रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे अब वो डायरेक्ट डील कर रहे हैं। तो आगे का सवाल यही है कि क्या देश के मौजूदा हालात को आधार बनाकर असीम मुनीर पाकिस्तान पर मार्शल लॉ थोप देंगे? क्योंकि महंगाई, भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी के कंधों पर टिका पाकिस्तान आखिरी सांसें ले रहा है। बिजली का बिल इतना आया है कि सैलरी में से या वो बिल दे दें या वो हम खा लें। नालत ऐसी जिंदगी के ऊपर। अल्लामा इकबाल ने पहले फरमाया था, जिस खेत के दहकान को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर होशाए गंदम को जला। हमारा कुछ करे नहीं करना तो मैं सीधी तरह कुछ दे के मार दे, मर जाना सानू कबूल है, मार जाना आगे शिफाई ने लिखा, दुनिया में कतील उस्सा मुनाफिक नहीं देखा, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। शुक्र है गैरत आई है। लोगों ने बिल गले में डाल के खुदकुशी कर ली, तो इनको यह बेगैरतों को ये शर्म नहीं आ रही। वीर न्याजी लिखते हैं, शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, सिर्फ बिजली के बिलों को नहीं, इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना। बच्चे जब सामने भूखे होते हैं ना तो उनको पता चलता है, इन लोगों को क्या पता, वो तो सब कुछ अपने लिए करके बैठ गए। कलेजा फट जाएगा पाकिस्तानियों को सुनकर। अथाह दर्द है उन लोगों में जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान चुनने की गलती की, जो जिन्ना के मुल्क को अपना वतन कहते हैं। मैं रोटी रोटी पे तरस रहा हूँ, 35 साल मैंने मुल्क को खिदमत की है, डरा बेचता रहा हूँ, पैसे बेचता रहा हूँ और आज ही मैं भूखा मर रहा हूँ। और किनकी वजह से ये जो आके बैठे हैं नए जो लीडर, समझा, 16 महीने कमा के अब जाके लंदन में बैठ गए, जाके उसका बड़ा भाई भी लंदन में जाके बैठ गए, समझा, और हम इधर पीस रहे हैं। खुदा की कसम मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, वल्ला मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ और वो भी भूखा रह के, चलो मेरे बच्चे खा ले। अंदाजा लगाइए कि कैसे हुक्मरानों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अन्न के लिए लोग तड़प रहे हैं,
बेगैरत पाकिस्तानी आर्मी और कठपुतली हुकूमत इनके पैसे पर मौज कर रही है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आई में वो ये वो 1000 पंचायतें, क्या अभी सो रहे हैं? नजर नहीं आ रहा। IMF पे आपने कर्जा डील करके ने हम लोगों को झकमाल कर दिया, खुद अयाशियां करते रहे, हमारे हाथों में हथकड़ियां लगा दी, बिजली के बिल देखे डेली टॉप 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 टॉप। आप लोग फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, फ्री का पेट्रोल, फ्री की गाड़ियां, सब हमारे ऊपर ही सब बहुत बन के बैठे हो, और फिर ऊपर से IMF का डंडा हमारे ऊपर रखा हुआ है। या तो IMF से जान छुड़ाओ या हमारी आप जान छोड़ो, ताकि हम फिर कहें कि ठीक है हम गुलाम है तो गुलाम ही रहेंगे IMF के। आप लोगों ने तो गुलामों से भी बदतर हमारी लाइफ कर दी। महंगाई दर 30% के करीब है, लोगों के पास पैसे नहीं, गरीबी बेहिसाब है। चीनी 230 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी है, डीजल, पेट्रोल, डॉलर सब 300 पाकिस्तानी रुपए के पार, हाहाकार समचा हुआ है। उन्होंने तो इस हालात पे पहुंचा दिया है कि जवान लड़के खुदकशी करने पे मजबूर हो गए हैं। इनका तो बेड़ा गर्क होगा, जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच बेच कर बिल भर रहा है। यार मैं भूखा रह जाऊंगा कि मेरा बच्चा भूखा होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। खाना जंगी की तरफ जा रहा है ये पाकिस्तान, ये बता देता हूँ, दिन दिहाड़े जो है ना मार के जा रहे हैं और जो है ना पैसे लेके जा रहे हैं। ये गरीब पाकिस्तानी जो सड़क पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेगैरत हुकूमत को कोस रहा है। पाकिस्तान में गिरना मुश्किल हो गया, कितने टैक्स लगाओगे जुलम करने वालों। समझिए कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं, हजारों लाखों में लोगों के पास बिजली के बिल आ रहे हैं, आवाम सड़क पर है, कारोबारियों ने दुकानें बंद कर रखी हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। यकीन माने अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा पे करना है। कलेजा कपाने वाली ये वो हकीकत है जिसे पाकिस्तानी जी रहे, बर्दाश्त कर रहे, किश्तों में टूट रहे, बिखरते जा रहे हैं। ये वजह है कि एक तरफ जहां गिलगित बाल्टिस्तान में सड़क पर उतरी आवाम हिंदुस्तान में शामिल होने का ऐलान कर रही है, तो वहीं बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम आजाद। बलूच एक तारीखी इंकों में, बलूच एक बलाए तारीख, बलूच एक तारीखी हैसियत, बलूच एक तारीखी मुकाम, बलूच एक आजाद और खुद मुख्तियार कौमी बूता, दुनिया ही तारीख एक किस्से बूता। पाकिस्तान अगर आत का बलूचिस्तान सर कब्जे करता, मरोचे बलोच वसायला नीलाम का नगेता इंत। बिहार के सहरसा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आरोप यह है कि स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के साथ 2 साल तक स्कूल के डायरेक्टर के बेटे ने रेप किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर लड़की को धमकाया। 3 साल से वो लड़की डिप्रेशन में थी। बार बार जब एंजाइटी अटैक होने के बाद इसकी जानकारी मिली सभी को, इसका खुलासा हुआ, तब आरोपी के पिता ने बेटे को बेगुनाह बता दिया। कलेजा फाड़ देने वाली इस चीख की कहानी ना हम आपको सुना पाएंगे और ना आप सुन पाएंगे। इस कायनात की सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक और सबसे शर्मनाक कहानी का शिव वो बदकिस्मत किरदार है जिसने छोटी सी उम्र में जिंदगी के सबसे स्याह सच से साक्षात्कार किया, लेकिन इसकी चीखें हम सुनाना चाहते हैं। इस कहानी को हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं ताकि इसके गुनहगार को सजा मिले। वो हैवान, वो दरिंदा तिल तिल कर मरे जिसने इस छोटी सी बच्ची की जिंदगी को नरक बना दिया। मैं 7 साल से घुट घुट के जी रही थी और उस दिन मेरा वो भड़ास अंदर ही अंदर हावी हो गया और फिर मुझे ले जाया गया नोवेल हॉस्पिटल में, वहाँ शिफ्ट किया गया। जानना चाहते हैं ये लड़की क्यों घुट घुट कर जी रही, तो सुनो, इसका कसूर ये था कि ये सहरसा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। इल्जाम है कि 2017 से 2019 तक स्कूल के डायरेक्टर का बेटा इसे नोचता था। जब ये 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ती थी इसका रेप करता था और इसमें टीचर भी मदद करते हैं। अब हम यही चाहते हैं कि उसको कोर्ट से फांसी मिले, अनीता मिश्रा को अरेस्ट किया जाए और उस स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़की है जो उसके रेप की शिकार बनी है। ये बर्दाश्त करती रही, स्कूल छोड़ दिया,
पटना आ गए। पटना में एंजाइटी का अटैक होना शुरू हुआ, बार बार हुआ, घर वालों को बुलाया गया, मनोचिकित्सक से इलाज हुआ, तब जाकर खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया और साथ ही साथ उसमें उनके साथ जो और भी कोई अक्यूज्ड हैं उन सब उसके संबंध में भी छानबीन की जा रही है। आरोपी टीचर को पुलिस ने छोड़ दिया है, इसकी कसक इस बच्ची को है। लेकिन असली कसक इस बात की है कि एक स्कूल नर्क में तब्दील होकर भी बरसों से चल रहा है, लेकिन सरकार मौन बैठी है, जो शर्मनाक है, क्योंकि इल्जाम है कि और भी कई बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है।